Hoppy Toys! हेलो गाइस, वेलकम टू हूपी टॉयज। और आज आपके सामने हम लेकर आए हैं बहुत ही अमेजिंग चीज। जी हाँ, ये देखो दोस्तों, ये है एक बहुत ही कमाल की चीज। इसका नाम है लाइटनिंग बी हाई स्पीड। देखो दोस्तों, ये एक मक्खी है। आप लोगों को याद है कि जो मक्खी मूवी आई थी उसके अंदर देखा था आपने, वो मक्खी किस तरह से अपना बदला लेती है, पूरा रिवेंज लेती है, सब कुछ करती है, उड़ती भी है, और वो किस तरह से क्या कुछ कर देती है, कितनी पावरफुल है वो। कुछ ऐसी ही ये भी है, ये भी बहुत पावरफुल है। देखो दोस्तों, ध्यान से देखो इसको, इसकी आंखें देखो, इसके टायर देखो, इसके विंग्स देखो, इसका बॉक्स की पैकिंग देखो, ये कमाल की है। याद दिखाओ दोस्तों, आपको मैं एक बार नाम दिया हुआ है। और ये 360 डिग्री मतलब ये पूरा रॉकेट हो जाएगी राउंड शेप में। देखो दोस्तों, यार कमाल ही लग रहा मुझे तो, मतलब इसको क्या ही चीज़ बनाई है। ये आप शायद कहीं देखी भी नहीं होगी, बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग है। इसको फटाफट करता हूँ अनबॉक्स, देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है साथ में। ये मैंने बॉक्स निकाल दिया। ये देखिए भैया, ये देखिए भैया, ये है हमारी लाइटनिंग बी। वाओ, साथ में मिलता है एक रिमोट, रिमोट देखिए दोस्तों, और एक है यहाँ पे यूजर मैनुअल इस वक्त के साइड के अंदर, और ये एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे दिया गया है। इसमें ऑब्वियसली चार्जर और बैटरी होंगी। इसमें सबसे मिलता है एक टूल मिलता है इसको पेज को खोलने के लिए, और एक यूएसबी केबल जिसके हम बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। इसको साइड में रखते हैं, बॉक्स उठाते हैं। अब देखो दोस्तों इसकी, इसको गौर से देखिए एक बार। इसकी आंखें तो देखो भाई, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। ऊपर की बॉडी पूरी सॉलिड, यहाँ पे पूरा रबड़ दिया गया है। प्लास्टिक बॉडी जो है बिल्ड क्वालिटी कमाल की दी गई है। कलर जो है बिल्कुल इसका येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बनाया गया, जैसे कि बंदूकी होती है ना, कुछ भी ऐसा ही इसमें दिया गया है। रिंग जो है काफी बड़े हैं, और टायर भैया, टायर देखो पूरा मुझे एक हाथ जितना इसका टायर है, बहुत ही बड़ा और हैवी साइज में। और ये देखो नीचे से इसकी पावरफुल मोटर है, यहाँ पे इसकी बैटरी सेट होती है, और इसके अंदर जो मोटर देखे ना वो काफी ज्यादा पावरफुल मोटर है। छोटा सा भी यहाँ पे देगा सपोर्ट के लिए, जो इसको रोटेट करने में, साथ चलने में, आगे पीछे स्टंट करने में इसकी हेल्प करता है। आगे दिया गया इसका छोटा सा मुंह, जहाँ पे इसका डंक होता है, ऐसे कुछ करती है। और देखो दोस्तों ऐसे देखो, ये भाई वाह, कमाल की चीज बनाई लोगों ने, बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत ही अमेजिंग। बिल्ड क्वालिटी कमाल है, कलर कॉम्बिनेशन कमाल है, बोरी कमाल है, मेटल कमाल है। और टायर देखिए दोस्तों, इतना फ्लफी और इतने रबड़ के टायर देखिए, इतने बड़े हुए के टायर है। ऑन रोड ऑफ रोड किसी भी तरह से चल जाएगी, उछलते हुए स्टंट करेगी, घूमते हुए स्टंट करेगी, चलते हुए स्टंट करेगी, आज तो मतलब स्टंट ही स्टंट होंगे। ऐसे तो नहीं होता है। रिमोट देखो दोस्तों, कितना प्यारा, कितना अलग, बहुत ही बढ़िया अलग शेप में रिमोट दिया गया। ये देखो दोस्तों, दिख रहा आपको रिमोट, ये बटन लेफ्ट राइट करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए है। और ये जो है वो डेमो का बटन है, जिसमें डेमो शायद खुद अपने आप से स्टंट करेगी। और रिमोट के यहाँ पे इसमें सेल डलेंगे, ऊन का बटन दिया गया। रिमोट देखो कितना ज़्यादा लग रहा है कि कुछ साईफाई टाइप के मूवी के अंदर जैसे रिमोट होते हैं ना गाड़ियों के, कुछ वैसा लग रहा है इसमें। बहुत ही अमेजिंग रिमोट है ये, बहुत ही बढ़िया। तो मैं इसको फटाक से करता हूँ एक बार ऑन, देखते हैं ये कि आज कितने स्टंट करेगी, क्या कुछ करेगी हमारे लिए। तो यहाँ से इस बटन को मैंने इसको ऑन कर दिया है। वाओ, इसके पंख में लाइट जल रही, आंखों में लाइट जल रही है। और अब देखते दोस्तों, चलती नहीं चलती, रिमोट को भी कर देता हूँ ऑन एक बार। रिमोट मैंने ऑन कर दिया है, देखता हूँ करके ये चलती है नहीं चलती। वाओ वाओ भाई, कमाल है ये देखते। ओहो, देखा दोस्तों आपने इसकी पावर, ये अपने आगे आने वाले हर चीज को ऐसे उड़ा देगी धमाके से, ये रुकने वाली नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो है वो एक डबल टॉर्क की मोटर दी गई, मतलब कि मोटर जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल मोटर है इसके अंदर, और ये रुकने वाली नहीं है दोस्तों। लाइट देखो दोस्तों, कितनी ज्यादा टर्न, आंखें आंखों में इसके पूरी लाइट जली हुई है, पूरी आंखें चमक रही है भाई, ये काफी डेंजरस लग रही है मुझे तो। देखो यहाँ पे इसके पंखे ऊपर लाइट जली है, इसको मैं अगर दिखाऊं तो आपको कि अंधेरे में कैसा लगा। तो देखो उसको डार्क में देखते हैं हम, अपने कमरे की लाइट जो है वो एक बार ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि इसको कैसे दिखाता है। भाई वाह भाई, मजा आया, लग रही ना बिल्कुल ड्रावनी डेंजरस चीज। वाओ भाई, काफी भयानक लुक आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, मुझे देखते हुए कि बहुत ही जरूरत है। अंधेरे कमरे में कैसे खड़ी हो, सामने स्टंट कर जैसे भाग भाग के स्टंट करेगी, तो बताओ कौन हिट रहेगा, कौन हिट रहेगा बताओ। कमाल की चीज बनाई है दोस्तों।
तो गाइस इसको मैं लेके चलता हूँ बाहर मैदान के अंदर अपने ग्राउंड में और वहां पे देखता हूँ इसकी कैसे स्टंट करी, कैसे चलती है, कैसे उड़ती है, कूदती है, जो भी फिर दे रखे फीचर्स मैं सारे फ्यूज पे दिखाऊँ, सारे टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको और आप देखना इसको, बताना मुझे कमेंट करके कि आपको कैसे लगी। तो दोस्तों जल्दी से आपसे बाहर मिलता हूँ मैं। तो देखो गाइस बोर्ड की तरफ वो हम टेस्ट करके देखते हैं, सुंदर से जरा देखो, देखो बात कैसे लड़ते हुए आई है, एकदम से रोड एकदम बढ़िया चल रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बॉडी बिल्कुल इसकी टफ है, फिर से देखते हैं इसको एकदम बुरा के, एक देखो इसको मैं आंख लगे और देखा आपने लापरवाही का नतीजा, ये तो पलटी खा गई भाई, कोई नहीं इसको मैं मैदान में लेके आता अपने मिट्टी वाले में। यहाँ पर देखो भाई साहब रेत के अंदर किस तरह से स्टंट कर रही है, ऐसे कुल्ला माती खा रही है, इसको क्या बोलते हैं डाइव कर रही है, इस तरह से बढ़िया घूम रही है, स्पिनिंग कर रही है, रोटेट हो रही है, पूरा 360 विन इसका 360 डिग्री स्पिन। तो देखो भाई ये देखो आगे जाकर पीछे से कैसे उठ रही है, कैसे चल रही है, पंखों में इसकी लाइट जल रही है, आंखों में इसकी लाइट जल रही है, भाई मिट्टी पर तो ये कमाल चल रही है, एकदम से लेफ्ट राइट होते हुए टर्न करते हुए इस तरह से घूम रही है भाई, ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया अमेजिंग लग रहा है मुझे चलाते हुए, कमाल लग रहा है यार। अब देखो भाई इसका एक बार क्लोज लुक हो, इसको मैं अभी स्पिन कराता हूँ, देखो इसकी 360 डिग्री रोटेशन कैसे कितनी बढ़िया तरह से रोटेशन कर रही है भाई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो कमाल है यार भाई, इतनी फास्ट घूम रही है ये। अब इसको मैंने ब्लू स्टार के साथ में इसको कंप्लीट कराया है, देखो भाई दोनों ही दूसरे के साथ पूरा बढ़िया तरह से कंप्लीट कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो बी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्पीडली जो है रोटेट कर पा रही है, ये ब्लू स्टार जो है वो थोड़ी सी धीरे है इसके स्लो, यानी कि इसके टेस्ट में तो ये पूरी की पूरी जो बी है ये पूरा इसको जी जाती है स्पिनिंग के टेस्ट में 360 डिग्री के रोटेशन के अंदर। तो भाई इसको देखो मैं इसकी अब कंपटीशन कराने जा रहा हूँ, उसको आपस में टक्कर लगा, देखो भाई कौन सी ज्यादा स्ट्रांग है। तो गाइज ये जो है देखो बी इसको कैसे पटक पटक उठा उठा के पटक रही है, उसको लुड़ा रही है, इसके टक्कर लगा रही है इसको लुड़का के, और ये गाइज तो मतलब क्या ही बताएं भाई, ये तो दोनों ही लड़के इस बार तो ये तो कुछ अलग होगा, दोबारा से देखते हैं बार टेस्ट करा के इसको, लेकिन फिर भी भाई इसकी बॉडी कुछ इस तरह से डिजाइन की हुई है ना कि इसके ऊपर कोई भी जो व्हीकल है ये उसके नीचे से आराम से निकल जाती है, और जो दूसरा जो व्हीकल है वो एकदम से लुढ़क जाता है इसके ऊपर पलटी खा के टक्कर लग के। तो गाइस इसके अंदर भी ना ये इस टेस्ट में भी जो मेरी बी है वो बहुत ही टफ है। अब इसको मैं रोड के ऊपर लेके जाऊँ कि देखो इसकी जो रेस है कौन से ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा तेज भागती है। तो गाइस इस केस में ये जो थोड़ा सा स्पीड थोड़ी सी है जो कम चलती है स्पीड में, ये बाकी एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स जो दूसरे व्हीकल्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से चलते हैं। हाँ इसके अंदर थोड़ा सा ये स्पीड जो स्पीड कम लग जाती है भाई। तो गाइस ये बहुत ही कमाल की लगी मुझे स्पिन, ये जो बी स्पिन करते हुए बी जो है लाइटिंग बी। तो गाइस आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताना मुझे, थैंक यू।